नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मेलबर्न विश्वविद्यालय का किया दौरा। भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करती है आईपीसीसी की रिपोर्ट, ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के साथ 2030 तक आधा किया जा सकता है वैश्विक उत्सर्जन। एनएसआई घोटाले पर सांसदों ने जेबी चेयरपर्सन से पूछे सवाल, एक हफ्ते में दूसरी बार पूंजी बाजार नियामक के अधिकारी संसदीय समिति के सामने हुए पेश। आईबी मंत्रालय ने दुष्प्रचार कर रहे 22 यूट्यूब चैनल को किया ब्लॉक, 4 पाकिस्तान से और 18 भारत से हो रहे थे संचालित। लाभार्थी ही राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से परिचित योजना को अधिक समावेशी बनाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना जरूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया 100 दिन का एक्शन प्लान, योजनाओं को 10 सेक्टर में बांटकर होगा काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के स्थापना दिवस की कार्यकर्ताओं को दी बधाई, बोले बीजेपी राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति सदैव आबद्ध। हथियार बनाने और चलाने के वीडियो खूब देखता था गोरखनाथ मंदिर का हमलावर मुर्तजा। पर्सनल लॉ बोर्ड महासचिव के बयान को मुस्लिम विद्वान ने किया खारिज, कहा मुसलमानों की मुख्य धारा से अलग करने की साजिश। यूपीएसएससी एएनएम के 9212 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित। श्रीलंका में आपातकाल हटाने के बाद भी सरकार पर मंडरा रहा खतरा, राष्ट्रपति राजपक्षे को सत्ता जाने का डर सता रहा। अल्पमत में आने के बाद श्रीलंका में राष्ट्रपति ने वापस लिया आपातकाल, सत्तारूढ़ गठबंधन के 50 से ज्यादा सांसदों ने सरकार से किया किनारा। किम जोंग की बहन की धमकी से डरा अमेरिका और चीन, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को लेकर हुई अहम बैठक। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने बूचा हत्याकांड के लिए रूस को आड़े हाथों लिया, बिना नाम लिए जताई नाराजगी, स्वतंत्र जांच कराने की उठाई मांग। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका, युद्ध के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने की प्रतिबद्धता दोहराई। राजस्थान के जोस बटलर ने पूरे किए 200 रन, ऑरेंज कैप पर फिर जमाया कब्जा। राजस्थान की हार से हैरान कप्तान संजू सैमसन ने कहा, क्यों मैच हारे पता नहीं चला। आरोन फिंच की पारी के सामने फीका पड़ा बाबर आजम का अर्धशतक, पाकिस्तान को मिली हार, जडेजा ने धोनी की कप जडेजा ने धोनी को कप्तानी दे रखी है पर उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत, पूर्व क्रिकेटर ने दिया बयान। ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के लिए किस टीम के खिलाफ होंगे उपलब्ध, हेड कोच ने किया खुलासा। रणबीर सिंह ने जयेश भाई जोरदार की रिलीज से पहले किया दावा, कहा फिल्म ने नहीं रुलाया तो पैसा वापस। अपनी नई गाड़ी में अवार्ड लेने पहुंची नागिन तेजस्वी प्रकाश, ब्लैक शिमरी ड्रेस में दिखा खूबसूरत अंदाज। ऋतिक रोशन और सबा आजाद के बाद एक्स वाइफ सुजैन खान बॉयफ्रेंड का हाथ थामे आई नजर, ट्रोल करते हुए लोगों ने कहा क्या कोई कंपटीशन चल रहा।
सनी हिंदुजा ने मॉरिशस में शुरू की शहजादा की शूटिंग, कहा फिल्म का हिस्सा बनकर बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूं। शादी के बाद सुचित्रा सेन ने शुरू की थी एक्टिंग, फिर बन गई टॉप एक्ट्रेस। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।